हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला इंग्लिश लिटरेचर्स में। गाइस, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं वो वर्ण विचार है। चाहे आपका हरियाणा एसआई का आने वाला एग्जाम हो या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे रीट हो, चाहे यूपी टेट या फिर एसटेट, सभी में ये वर्ण विचार से रिलेटेड एक या टू मार्क्स का वेटेज रखते हुए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो विद इन वन लेक्चर मैंने ये कंसेप्ट आपके साथ समझाने की कोशिश की है, तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ सिंगल ऑफ टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण, सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? एज यू नो, देवनागरी। और देवनागरी लिपि कहाँ से आई? देवनागरी लिपि आई ब्राह्मी लिपि से, जो कि 11वीं शताब्दी में इजाद हुई थी। और हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में ये दोनों में ये इसकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। लिपि क्या होती है? बोलने का तरीका, यानी कि लिखने का तरीका। जैसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट गाइज। तो आप उर्दू में कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो अलग अलग तरह की लिपियाँ होती हैं। जैसे आपको पता होगा, पहले पुराने समय से संस्कृत आ रही है, संस्कृत के बाद पाली विकसित हुई, पाली के बाद प्राकृत विकसित हुई, प्राकृत के बाद अभट आई, देन हिंदी आई। तो इस ये हिंदी ने अपना बहुत सा पड़ाव पार करते हुए हिंदी को अचीव किया है, ठीक है गाइज। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण एक ऐसी इकाई होती है जो भाषा की मूलतम इकाई को वैसे ध्वनि माना जाता है। ध्वनि क्या होती है? साउंड। जैसे मैं एक अक्षर अ के बाद मैंने बोला क, तो देखो दोनों की साउंड में डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। और वर्ण क्या होता है? वर्ण एक ऐसी अक्षर होता है, एक ऐसा शब्द होता है, शब्द तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा अक्षर होता है जिसके वो टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे साइंस के अंदर एटम जानते हैं, अणु, अणु एक ऐसी तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है जिसके वो टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ए अल्फाबेटिक ऑर्डर में लें तो ए के भी हम दोबारा खंड करेंगे तो वो लिखा नहीं जाएगा, इसको पैरल ऐसे करके लिखना पड़ेगा, बीच में लाइन करके, ठीक है। और जैसे गीता में भी कहा है ना, आत्मा आत्मा नैनम छिदंती सात्राणी नैनम दहती पावक है, तो इसी तरह आत्मा को भी नहीं तोड़ा जा सकता, उसी तरह वर्ण को भी नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है गाइस। तो वर्ण बेसिकली, वर्ण क्या होते हैं? स्वर व्यंजन और अयोगवाद से मिलकर बने होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। वर्ण, वर्ण में सबसे पहले क्या होते हैं? स्वर। स्वर वैसे हिंदी में 11 माने जाते हैं और संस्कृत में ये 13 माने जाते हैं। री और जो लिरे होता है उसको लेकर बनाया गया है ये संस्कृत में। अब स्वर, स्वर में हर्ष्व दीर्घ और प्लुत से बना है। हर्ष्व स्वर में क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि बोलने में थोड़ा कम टाइम लगता है। जैसे अ ई उ री, यानी कि इसको हम अयूर से याद कर सकते हैं, अयूर शैम्पू आता था ना, उसी तरह जैसे अ ई उ री, ये क्या हो गए? हर्ष्व स्वर हो गए। देन दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ ई उ ए ए ओ औ री, बड़ा री, तो ये दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें दो मात्रा का समय लगता है। दूसरी बात, ये अ और अ से मिलकर बना है आ, तो ये इसी तरह ई छोटी छोटी ई से मिलकर बनी है बड़ी, उ छोटा उ बड़ा उ से मिलकर बना है बड़ा उ, तो ये दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ओम, तो हम ऐसे साउंड करते हैं ना, ये संस्कृत में यूज होता है प्लुत स्वर, ठीक है। देन व्यंजन पे हम कंसंट्रेट करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? 33 होते हैं, इस ये भी 4-5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, उसम, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो हमारी जीभ यानी कि टंग होती है वो किसी ना किसी मुंह के पार्ट को टच करते हुए चलती है, स्पर्श करते हुए चलती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये कैसे लेके मैं तक, वो सारे ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में जैसे कवर कहा जाता है क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ ढ न त थ द द ध न प फ ब म म, तो ये क्या हो जाएंगे? कवर हो जाए, ये इसको हम क च कचट तप, यानी कि कचट क पहले अक्षर क च ट कचट तप, इनसे मिलकर हम याद कर सकते हैं इस सीक्वेंस को, अगर हमें याद नहीं हो रहा है तो, ठीक है। फिर अंतस्थ, अंतस्थ मतलब होता है अंदर से आवाज आती है, य र ल व, ये चार होते हैं। इसमें र, र शब्द लुंठित है। र शब्द क्यों लुंठित है? क्योंकि जो हमारी जीभ है वो मुड़ जाती है। र बोलिए र, तो देखा आपकी जीभ मुड़ गई है, तो र शब्द लुंठित है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं नेगेटिव सेंस में कि ल लुंठित नहीं है, तो ये क्या हो गया? र, ल पार्श्व है, ल ये जीभ को हमारी टच नीचे की तरफ गिरी है और टच कर रही है ले, तो ये क्या हो जाएगा? पार्श्व शब्द। उष्म क्या होता है? उष्म मतलब होता है गर्मी से,
तो श श श ह ये क्या हो जाएगा, उष्ण शब्द हो जाएंगे ये चार। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी चार होते हैं, जो लास्ट होते हैं ना वर्णमाला के अंदर, श ग त्र छ। ये देखिए दो अक्षरों से, दो व्यंजनों से मिलकर बना है, आधा क और श से, तो ये क्या बन गया श। अंग्य क्या किससे बना, जय और ज्ञ, यानी कि लास्ट वाली जय और ज्ञ से मिलकर बना है अंग्य। त्रय, तय और र से मिलकर बना है त्रय। श, सह और र से मिलकर बना है श। तो ये क्या है, हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त कोई भी व्यंजन हो विदाउट स्वर, विदाउट हेल्पिंग ऑफ स्वर हम इनको लिख नहीं सकते, नहीं तो वो वर्णमाला में आधा अक्षर माना जाता है, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो शब्दों के बीच में आते हैं, जैसे ढ और ढ, सड़क हो गया, मेंढक हो गया, ये क्या हो गए उच्छिप्त व्यंजन हो गया। अब नेक्स्ट वन है अयोगभा। अयोगभा भी चार तरह के होते हैं, विसर्ग, जैसे दो बिंदी आती हैं, जैसे हम ये वाला अ और इसके ये विसर्ग लगाते हैं ना, ये संस्कृत में यूज होता है, प्रातः हो गया, अतः हो गया, और तत्सम शब्द, इससे जो मिलकर बने होते हैं शब्द वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार में एक डंडा उसके ऊपर बिंदी, जैसे कंचन, मेरा नाम ही लिख लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया अनुस्वार। हलंत, ये संस्कृत में यूज होता है, जैसे मिट्टी हो गया, तो इसमें तय आधा गया, इसका मतलब अगर हम किसी अक्षर के ये आधा लिख देते हैं तो ये आधा अक्षर माना जाता है, या मिट्टी को हम ऐसे भी लिखते हैं ना ऐसे करके, तो ये आधा अक्षर है, तो इसलिए ये क्या हो गया हलन। अर्धचंद्र बिंदु, आंख, गांव, अगर हम सिंपल ये लगा दे तो ये इससे बने हुए शब्द अंग्रेजी के शब्द माने जाते हैं, ठीक है। तो विसर्ग, अनुस्वार और हलन ये मिलकर बनते हैं संस्कृत के शब्द, अगर मैंने इसमें चंद्रबिंदु जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा हिंदी, यानी कि विसर्ग, अनुस्वार, हलन और अर्धचंद्र बिंदु मिलकर बनते हैं हिंदी के शब्द, ठीक है सर। तो ये है, इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष जिसमें कोई भी ध्वनि नहीं होती, जैसे ये शब्द लिखे हैं मैंने, ये इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो क और ख ये क्या हो गए एक और दो, यानी कि क्या हो गया अघोष। अघोष मतलब छोटा वर्ण, ठीक है। सघोष जिसमें घोषणा होती है, ग घ र च ज झ न ड ढ ढ त द ध न ब भ म, ये शब्द क्या हो गए सघोष हो गए, यानी कि एक दो इधर वाले क्या हो गए अघोष, इधर वाले क्या हो गए सघोष, और ऐसे अवतक भी सघोष माने जाते हैं, ठीक है। अल्पप्राण, अल्पप्राण में क्या होता है एक एक थोड़ी सी वायु उतकती है, जिसमें एक तीन पांच, यानी कि एक जंप करके क ग न च ज न ट ठ ट ड न त द न प द म, ये क्या हो जाएगा अल्पप्राण। अल्पप्राण में य र ल व भी आएगा, सारे स्वर आएंगे, जो हमारा अयोगभाग यानी कि कंचन वाली बिंदी है ना वो भी आएगी। महाप्राण, महाप्राण में क्या आता है दूसरा और चौथा शब्द, यानी कि हमें एक जंप करके लिया है ना, तो इसी तरह ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। च ज ठ ट ड त द प ब, तो ये क्या हो जाएंगे आपके महाप्राण, क्योंकि ज्यादा ध्वनि लग रही है, हम ऐसे भी कर सकते हैं क, अब हम ख करें ख, तो ज्यादा ध्वनि लगी ना, इसी तरह। तो विसर्ग शब्द श श श, इसमें भी ज्यादा टाइम लगता है, स श श, तो ज्यादा टाइम लगा, हमारी वायु झटके से ज्यादा बाहर आई, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये महाप्राण हो जाएंगे। वैसे तो काफी सारे टॉपिक हैं, मगर एग्जाम्स में तो अक्सर यही पूछे जाते हैं, वैसे होंठ के आकार पर भी स्वरों को कई बार माना जाता है, व्यंजनों को वृत्ताकार, अवृत्ताकार, संवृत्त, विवृत्त, मगर वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मेन टॉपिक यही पूछा जाता है। अब हम करेंगे इसका कि उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, प्रत्येक वर्ण का अपना एक डेफिनेट उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, जैसे सबका अपना एक तरीका होता है, उसी तरह किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंठ से, यानी कि हमारा गला कंठ है। कंठ क्या होता है, कंठ में अ आ कवर अह अंगिशर, यानी कि ये वाला शब्द, ये वाला अ आ और कवर, पहली वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी कंठ, यानी कि हमारे गले से आती है, और है और विसर्ग, ठीक है। देन फिर उसके बाद आता है तालू, तालू थोड़ा सा ऊपर को होता है गले के, तो ये क्या कहती है तालू, क्या कहती है, मैं तो ई, मेरा फ्रेंड कौन है ई, ई छोटी बड़ी ई और चवल, नीचे वाली लाइन च छ ज झ ण, ये क्या हो जाएगा तालू, तो तालू क्या जगह ई ई चवर य श, य और श को मिलकर भी क्या बनता है ये तालू बनता है, यानी कि ई चवर यश, ई चवर यश। फिर अदान आता है मुर्धा, मुर्धा क्या होता है जो दांत के ऊपर वाला गैप होता है ना उसको मुर्धा बोलता है, तो आप बोल के देखिए री
तो आपकी जीभ कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ टकराएगी, तो वो क्या हो जाएगा री, री टवर्ग र और क्ष, ये क्या हो जाएंगे मूर्धा। फिर दादेगा दंतव्य, दंतव्य में क्या हो जाएगा दांत, जो हमारे कोई भी जीव का भाग है वो दांत से टकराता है तो वो क्या होते हैं उसे दंत की ध्वनि निकलती है। लर तवर्ग और क्ष, ये लर संस्कृत में यूज होता है, जैसे कृष्ण है, मृग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दंतव्य में तवर्ग और क्ष। ओष्ठ वाला क्या कहता है ओठ, जो हमारे ओठों की आकृति होती है बनाते वक्त, जैसे उ उ पवर्ग प फ प फ ब भ म, ये क्या देंगे ओष्ठ। और अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं चंद्र बिंदु, केवल चंद्र चंद्र, उसको बोलते हैं ओष्ठ। अब वो कंठ कहता है भाई मैं तो ना तालव्य के साथ दोस्ती करूंगा, तो कंठ और तालव्य मिलकर सात गांठ बैठा लेते हैं और ये ए और आई को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ये दोनों दोस्त और ये दोनों दोस्त ए आई, इनकी एक कंपनी खुल जाती है कंठ तालव्य के नाम से। दैन फिर कंठ ओष्ठ, कंठ गला कहता है अब तो मेरे को इस बिजनेस में फायदा हो गया तो मैं अब ओष्ट के साथ भी दोस्ती करूंगा, तो कंठ ओष्ट है ओ और औ को बना लेते हैं। ये क्या होते हैं ये विसर्ग होते हैं, ये संस्कृत में यूज होते हैं। फिर दंत कहता है अब मैं क्यों अकेला रहूं, तो मैं भी दंत और ओष्ट बना लेते हैं, दंतोष्ट है उसका एक ही फ्रेंड रहता है वो होता है वह, दंतोष्ट है वह, दंतोष्ट है वह, दंतोष्ट है वह, ठीक है। देन नासिका, नासिका ये लास्ट के जो वर्णमाला के लास्ट के शब्द होते हैं ङ ङ ङ ङ, तो ये क्या हो जाते हैं आपके नासिक शब्द हो जाते हैं, जैसे आखिरी का शब्द अण कंठ, ये अंग तालु अण मूर्धा न दंत मैं ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ नीचे से आ जाएंगे, कंठ तालु मूर्धा, कंठ के बाद तालु आ जाएगा, ये याद रखना, फिर ये आप माइंड मैप ना आपके अपने आप ही छप जाएगा माइंड में, ठीक है, पैटर्न सा बन जाएगा, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो वो पिक्चर आपके माइंड में आ जाएगी। फिर प्रयत्न के आधार पर, ये जब किसी भी एग्जाम को अगर डिफिकल्ट बनाना है ना और वर्णमाला में से पूछना है, या तो वो अल्पप्राण या महाप्राण में से पूछेगा सघोष अघोष में से, या फिर पूछ सकता है लुंठित या पार्श्व, या फिर प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न मतलब कोशिश, तो ये भी चार प्रकार के होते हैं। विवृत, विवृत कौन से होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है, ए आ ई ई उ री ए आई ओ औ, यहाँ तक क्या हो जाएंगे विवृत हो जाएंगे। फिर स्पष्ट, स्पष्ट और स्पर्श में तो क से लेके मैं तक, यानी कि ये क से लेके मैं तक, ये सारे क्या हो जाएंगे स्पर्श हो जाएंगे, ईसद स्पष्ट, य र ल व, ये क्या हो जाएंगे ईसद स्पष्ट हो जाएंगे। और ईसद विवृत कौन से हो जाएंगे, श श है, ये तीन शब्द और ये वाला श, यानी कि चार, श श स है, ये सब क्या हो जाएंगे ईसद विवृत, यानी कि विवृत स्पष्ट ईशद स्पर्श और ईशद विव्रत, ये शब्द प्रयत्न के आधार पर होते हैं। जैसे कोटा फैक्ट्री देखी आप लोगों ने, कोटा फैक्ट्री में ना केमिस्ट्री के जब वो फार्मूले के बारे में बताता है कि केमिस्ट्री में या कोई भी हो सबसे पहले एक्सेप्शनल चीज़ों को पूछा जाता है, तो उसी तरह ये हिंदी या कोई भी सीध होती है ना उसमें एक्सेप्शन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एक्सेप्शन को ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इसी तरह ये एक्सेप्शन हैं। जैसे आपने गौर क्या होगा, ये श ये सठोण का और ये सह, श स, ये तीनों श ना अलग अलग तरीके से हैं, देखिए श तालु श मूर्धा स दंत है, तो ये देखो तीनों श क्या है वो अगर डिफिकल्ट बनाना चाहिए तो ये वाला श दे सकता है, ये वाला श दे सकता है, तो इसी तरह ये शब्द हैं। तो ये उच्चारण स्थान है, आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, हाँ थोड़ा बहुत रह गया है, वो जब हम विवर्तनी करेंगे ना वर्तनी तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, शुद्ध अशुद्ध करते हैं तो उसके बारे में वर्ण माला से रिलेटेड अलग से टॉपिक है वो, तो वो उसके साथ डिस्कस करेंगे। मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी उत्साह मिले उन बच्चों की हेल्प करने का जो किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते हैं। और एक बात और, अगर कोई आपको ये बोले ना कि आप सब कुछ अपनी चैलेंजेस को छोड़कर मेरे पास आ जाओ और मैं आपको रोने तक नहीं दूंगा, तो यकीन मानिए दोस्त वो आपका सबसे खतरनाक दोस्त है, और जितना जल्दी हो सके उससे दूरी बना लीजिए, कहने को कट लीजिए, ठीक है। तो हैव फन, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, हैव ए नाइस डे।